दोस्तों Vivo V70 जो कि काफी कमाल का कैमरा स्मार्टफोन रहा, उसी का सक्सेसर Vivo V90 इसी मंथ के अंदर आपको देखने को मिल जाता, बट आपको पता है ब्लडी कोरोना वायरस ने इसे लॉन्च नहीं होने दिया इंडिया के अंदर। लेकिन गाइस इसके सारी स्पेक्स क्लियर होकर आ गए हैं बिकॉज ये स्मार्टफोन ग्लोबली तो लॉन्च हो गया है, और जैसे ही कोरोना वायरस हटता है मतलब जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा जो कि अगेन Vivo V सीरीज के अंदर एक कमाल का कैमरा स्मार्टफोन होने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इसी Vivo V90 के कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या प्राइस और क्या लॉन्च डेट इंडिया के अंदर कंफर्मली आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड और एक Vivo फैन हो तो इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। हे गाइस, मेरा नाम है सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सियोम YouTube चैनल। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि Vivo V70 एक काफी कमाल का कैमरा स्मार्टफोन रहा, तो डेफिनेटली Vivo V19 भी काफी कमाल का कैमरा स्मार्टफोन और ओवरऑल बहुत ही कमाल का लुक वाइज भी स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Vivo V19 के डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो यहां पर आपको 6.4 इंच की एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो नो डाउट आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले में व्यूइंग एंगल या फिर कलर वगैरह काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, और साथ में इस एमोलेड स्क्रीन के साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है। और भाई यहां पर आपको फ्रंट साइड में डुअल पंच होल कटआउट के साथ दो कैमरास फ्रंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन भाई उससे पहले अगर हम बात करें स्मार्टफोन की बैक साइड की डिजाइन की बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई ये कमाल के बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाला है जहां पर आपको 3D ग्लास डिजाइन के साथ ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। वहीं पर पीछे के बैक साइड के कैमरा के लुक की बात करें या फिर प्लेसमेंट की बात करें तो वो भी आपको कमाल की देखने को मिलेगी। जी हां गाइस, यहां पर आपको स्क्वायर लुक में बॉक्सी डिजाइन के अंदर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जैसा कि हुआ P40 के अंदर देखने को मिला था। वहीं पर अगर हम बात करें इसके कैमरा गिमिक्स के बारे में, तो यहां पर मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का मिलता है, साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में तो वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। जी हां गाइस, फ्रंट में आपको 32+8 मेगापिक्सल के दो लेंसेज देखने को मिल जाएंगे जहां पर जो मेन सेंसर होगा 32 मेगापिक्सल का उसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहां पर दो लेंसेज होने के कारण जो फोटोज वीडियो की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी वाकई में कमाल की देखने को मिलेगी, बिकॉज आपको पता है वाइड एंगल लेंस से यहां पर जो भी आपकी वीडियो की क्वालिटी होने वाली है या फिर बोले तो वाइड एंगल शॉट्स होने वाला है वहां पर डिटेलिंग या फिर बोले तो बूक इफेक्ट काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। साथ में अगर हम बात करें स्मार्टफोन के कुछ और फीचर के बारे में, तो गाइस यहां पर ये स्मार्टफोन काफी कमाल के प्रोसेसर मतलब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 के ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ आता है जो कि मैं कहूंगा ठीक प्रोसेसर है। लेकिन गाइस इस प्राइस के हिसाब से जो आगे मैं आपको प्राइस बताने वाला हूं उस प्राइस के हिसाब से ये प्रोसेसर फोन के अंदर जस्टिफाई नहीं करता है और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर जरूर हो जाता है। लेकिन भाई इस स्मार्टफोन के साथ आपको लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलने वाली है, तो मैं कहूंगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 के लिए आपने लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी दी है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता है और जरूरत भी नहीं है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी की क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 के लिए। लेकिन भाई मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस कमाल के स्मार्टफोन के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 आपने प्रोसेसर दिया है तो कहीं ना कहीं ये हैवी लोड लेने वाला है, इसकी वजह से ये प्रोसेसर हीट जरूर होगा, तो इसी के कारण यहां पर लिक्विड कूलिंग जैसी टेक्नोलॉजी का यूज किया इन्होंने। हालांकि आपको क्या लगता है जरूर बताना। लेकिन भाई अगर हम बात करें स्मार्टफोन के रैम वेरियंट की, स्टोरेज वेरियंट की, तो आपको स्मार्टफोन दो स्टोरेज वेरियंट भी देखने को मिल सकता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज, जहां पर आपको LPDDR4 रैम सपोर्ट भी मिल जाएगा, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल स्पीड यहां पर आपको नॉर्मल ही देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा हैवी वाली स्पीड देखने को नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए और भाई वो भी चाहिए Vivo की तरफ से, तो आपके लिए स्मार्टफोन कमाल का हो सकता है। बैटरी की बात करें तो 4500mAh यानी 4500mAh की एक बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। और भाई ये स्मार्टफोन USB टाइप सी हेडफोन जैसे मतलब 3.5mm जैसे जैक को भी ये सपोर्ट करने वाला है और Vivo का V90 फ्रंट टच OS 10 के साथ Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला है। और फाइनली अगर हम प्राइस की बात कर ले Vivo V90 को लेकर, तो गाइस ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने के बाद एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो 25,000 से 30,000 के अंदर आपको देखने को मिल सकती है इसके बेस वेरिएंट के साथ। और अगर लॉन्च डेट की बात करें इंडिया के अंदर, तो भाई एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे ही ये कोरोना वायरस खत्म होता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन अब तक लॉन्च हो गया होता है इंडिया के अंदर, लेकिन ये वायरस के चलते ये स्मार्टफोन को होल्ड किया गया है, बाकी सारे ही स्मार्टफोन को होल्ड किया गया है। आप देख सकते हो कि रियलमी अपने नार्जो सीरीज को लॉन्च करने वाला था और बाकी बहुत सारे स्मार्टफोन है जो कि अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो ये स्मार्टफोन भी जैसे ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती है वो लॉन्च हो जाएगा। तो बस यार आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल इंपॉर्टेंट और अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना और नीचे कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, घर में रहिए, सेफ रहिए, स्टे एट होम।